भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस चुनाव प्रबंधन कार्यालय में गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव का संचालन किया जाएगा। साथ ही होने वाले प्रदेश जन विश्वास यात्रा को लेकर बैठक भी किया गया, जिसका शुभारंभ 19 दिसंबर को बलिया से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा, जिसके संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व बस्ती के सांसद व यात्रा प्रभारी हरीश द्विवेदी ने बताया कि 2022 के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाला जा रहा है। उस यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व बस्ती के सांसद व यात्रा प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा, इसके लिए आज इस गोरखपुर क्षेत्र के आदरणीय हरीश द्विवेदी जी और अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। आदरणीय हरीश द्विवेदी जी का हम सब आप कार्यकर्ताओं से चाहेंगे कि स्वागत करें, अपने महान रहेंगे कि आदरणीय हरीश जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, माल्यार्पण का स्वागत करें। आदरणीय महान अगर अध्यक्षों को कैसे गति मिले, कैसे पार्टी की जो रीति नीति है, जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक दिन बाद हम लोगों ने तय किया था, माननीय सुनील बंसल जी की बैठक के बाद हम लोगों ने तय किया था कि इलेक्शन मैनेजमेंट ऑफिस चुनाव कार्यालय हम ठीक ढंग से संचालित करेंगे, और आज ये सुखद संयोग है कि चुनाव प्रबंधन कार्यालय भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का विधिवत उद्घाटन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कराया गया जो अध्ययन काल से लेकर के देश के लिए समर्पित एक ऐसे संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके संगठन मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में और बस्ती जनपद से दूसरी बार लोकसभा में सदस्य के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में माननीय हरीश जी हमारे बीच में आए और उन्होंने इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। मैं शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि पर अपने राष्ट्रीय मंत्री मित्र हरीश द्विवेदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मोदी जी के पहले कार्यकाल का एक व्यक्तित्व था और आज हमारे पास मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में जो और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, चाहे वो श्री राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, चाहे दुनिया के क्षितिज पर भारत को गौरवशाली ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाने का मामला हो, या दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का मामला हो, या 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विकास के साथ साथ कानून का राज स्थापित करने का मामला हो, दोनों उपलब्धियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस शुभ मुहूर्त में एक ऐसे संगठन के द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है इलेक्शन मैनेजमेंट ऑफिस का, मैं कह सकता हूं आप सब गोरखपुर क्षेत्र के तपस्वी कार्यकर्ताओं के बलबूते भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में 55 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाएगी। गोरखपुर क्षेत्र ये सामान्य क्षेत्र नहीं है,
डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था, जो समाजवादियों ने कहा, जिस बात की टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी पर की अखिलेश यादव ने, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश की कल्पना भगवान शंकर, भगवान राम और कृष्ण के बिना नहीं की जा सकती। ये डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था, अपने गुरु से भी नहीं सीखते ये लोग, और कोई भी ओछी टिप्पणी कर लेते। जिला महानगर दोनों हमारे सम्मानित पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आज मैं तो आया हूँ एक बैठक लेने, वो बैठक अभी बाद में होगी। मैं देवरिया गया था, धर्मेंद्र सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज के बाद खरवास लग जाएगा, यहाँ पे आज कार्यालय का उद्घाटन हो जाता तो अच्छा रहता। तो मैंने सर्वप्रथम तो मैं धर्मेंद्र सिंह जी और क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये शुभ अवसर प्रदान किया। मित्रों, चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और इसी चुनाव कार्यालय से गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा को संचालित करने की व्यवस्था चलेगी। अलग अलग आप देख रहे हैं, कहीं बूथ प्रबंधन लिखा है, कहीं कार्यक्रम और अभियान लिखा है, कहीं प्रचार प्रसार लिखा है, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अलग अलग लोगों को उन व्यवस्थाओं में लगाया गया है। उन सारी व्यवस्थाओं में हमको ठीक प्रकार से संचालित करना है। चुनाव आ रहा और धर्मेंद्र सिंह जी ने बड़े विस्तार से इस चुनाव के महत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है, मोदी और योगी क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने बताया। आज सुबह हम लोग सर्किट हाउस में गए, कल आजमगढ़ लालगंज था, रात में बस यही गोरखपुर हो गया था। सुबह हम लोग बैठे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज जो सत्ता में नहीं है वो आज से ही लोगों को कह रहा है, बस एक महीने में आ रहा है, दो महीने में आ रहा है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग के लोग हो। उस स्थिति के बारे में बहुत ठीक से वर्णन धर्मेंद्र सिंह जी ने किया है। प्राय आज तक पिछले 8 सालों से लगभग लोकसभा में हो, लोकसभा में जो बात होती है, विवाद होता है, एक दूसरे का विरोध होता है, एक दूसरे से बाता कहानी होती है, लोकसभा से निकलने के बाद गलियारे में कोई नेता एक दूसरे को नहीं ठोकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो बाहर मिले और उन्होंने हमसे कहा कि बहुत बोल रहे हो, तो हमने कहा क्यों नहीं बोलेंगे। और जब मैं फिर जा करके रमा देवी से बताया तो उन्होंने भी गुस्सा व्यक्त किया। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये सही है, मुख्यमंत्री 5 साल रहे, क्यों रहे, कैसे रहे, किसने बनाया, किसके कर्म पर बने, ये सबको पता है। मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उस व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। आपको याद होगा कन्नौज का लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारी पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष नीरज मिश्रा उसका नाम था, बूथ पर कब्जा करते हुए जब समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा कर रहे थे उस पर आपत्ति किया और उसने कहा कि हम कब्जा नहीं करने देंगे, उसने रोका। और रोकने के बाद जैसे पहले आप पुराने जमाने में देखे होंगे राजा महाराजा का लड़का जो फरमाइश कर देता था उसके पिताजी लेकर के चले आते थे, तो शिवराज ने फरमाइश अपने पिताजी से किया कि हमको नीरज मिश्रा का गला चाहिए और शाम तक गला चला गया। तो ऐसे लोग सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं, आ रही है प्रदेश से, प्रदेश इच्छा यात्रा है। और दो तीन पहले निवेदन है जिसे मैं माइक ले लिया हूं। पहला निवेदन है कि किसी की का मोबाइल ये पूरी बैठक, कभी कभी किसी के दिमाग में आता है कि हमारा तो बचेगा भी नहीं, तो हम साइलेंट करेंगे नहीं, लेकिन जिसके दिमाग में आता नहीं मेरे उसी का आधार बसता है। ये से शुरू करने वाले हैं, डायरी और पेन, डायरी और पेन। जिले के जितने लोग व्यवस्थित ना है, महामंत्री कौन है जिले के, आपका डायरी पेन है ना, आप क्या हो महामंत्री कौन है, चलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुनः 2022 में चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और आज गोरखपुर क्षेत्र के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन
यहाँ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के साथ हुआ है। हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई हैं और इन योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचा है, उस विषय को लोगों के बीच में हम लेकर के जाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, हमने देश के लिए क्या किया है, इन सारे विषयों को लेकर के हम जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि पुनः एक बार हम 2017 की जो जीत थी उसको दोहराएंगे। बैठक किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? बैठक में ऐसे कुछ इंटरनल बैठक है और यात्रा भारतीय जनता पार्टी एक निकाल रही है, जन विश्वास यात्रा। उस यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में हम जाएंगे और मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। आने वाले 22 के चुनाव में मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की गांव, गरीब, किसान, जनता प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जिताएगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।